झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेरिस। की बड़ी खबर जो आ रही है वो लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही है और उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आएगी वो आपको हम बताएंगे। इससे पहले हमने खबर दिखाया था कि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं सीबीआई के सवालों का जवाब देने, लेकिन जो इस वक्त की बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है, तेजस्वी यादव दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में सीबीआई पूछताछ कर रही है। उससे पहले तेजस्वी यादव के चेहरे पर शिरकत भी देखने को नहीं मिला। तेजस्वी यादव ने साफ कहा, झुकना आसान है लेकिन लड़ना बहुत मुश्किल है। आज के डेट में लोग झुक जाते हैं लेकिन लड़ना सबसे बड़ी मुश्किल और चुनौतियों का सामना करना वो लालू परिवार में। तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं जरा सुनिए। जो भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, हम लोगों शुरू से ही हम लोगों ने कॉपरेट किया है, सहयोग किया है, लेकिन जो देश में माहौल है आप सब लोग जान ही रहे कि झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि लड़ना अगर मुश्किल होता है तो मैं लड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। जिस तरीके से हमारे पिता लालू प्रसाद यादव हमेशा से लड़ते आए हैं वो झुके नहीं है। और देख लीजिए, शिवानंद तिवारी यानी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी साफ तौर से कहा है कि सभी को गोलबंद होने की जरूरत है। यानी सीएम नीतीश के बयान को अब शिवानंद तिवारी अलाप रहे और वह करे, सारी विपक्षी पार्टी को एक होना है, 2024 का मकसद है। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की पूछताछ और उसके बाद शिवानंद तिवारी ने साफ तौर से कहा, जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी यानी राहुल गांधी पर जिस तरीके से मामले दर्ज हुए, 2 साल का सजा सुनाया गया, उनकी सांसदी चली गई और उन्हें बेल तो मिल गई लेकिन मुश्किल में पड़ गए राहुल गांधी, उसी पर शिवानंद तिवारी क्या कुछ कर रहे हैं जरा सुनिए। लगता नहीं है, बुलाया गया है, कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप उनके हैं जाइए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में वो वहाँ गए हैं, साथ तक पता चलेगा क्या उसका फलाफल। नहीं सर, आपने सर आपने आपने इमरजेंसी का दौर देखा है, इस दौर को क्या कहेंगे? देखिए, 74 आंदोलन अपनी जगह पर है, हर आंदोलन जो है अपने ढंग से अपना जो स्क्रिप्ट है वो लिखता है। 74 के आंदोलन ने अपने ढंग से अपना मुड़ी पीछे करिए, वहाँ जो है जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व मिला, यहाँ अभी किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व का कोई स्पष्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। बिट्टू, यहाँ सामूहिक नेतृत्व जो है इस ये लोकतंत्र को बचाने के लिए इसकी गुंजाइश जो है दिखाई दे रही है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमने पहले कहा कि वो पार्टियां भी जो पहले माने इनके साथ नहीं थी, राहुल गांधी के समर्थन में गौतम राहुल गांधी के समर्थन में नहीं बल्कि लोकतंत्र की जिस ढंग से हत्या हो रही है, राहुल गांधी की सदस्यता को रख दो मुंह पे ही रख दो, सब लोग एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं और एक सामूहिक आंदोलन की संभावना जो है साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने सुना कि शिवानंद तिवारी ने भी साफ तौर से कहा कि गोलबंद होने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा कि लड़ना अगर लड़ना मुश्किल है लेकिन झुकना आसान होता है, मैं लड़ूंगा, सीबीआई के सवालों का जवाब दूंगा। यानी यूं कहिए कि अब सीबीआई तेजस्वी यादव से यानी बिहार के डिप्टी सीएम से पूछताछ कर रही है।